बॉयज रूम नहीं लग रहा, मतलब पैकिंग की तरफ जा रहा है मामला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन द लास्ट डे इन मरी। एक्चुअली वेदर चेक, ये धूप है हल्की लेकिन ज़्यादातर तो फॉगी कंडीशंस है। और सारी टीम जो है वो निकल चुकी है, रह गए हम। पहले प्लान ये था कि हम लोग ना सारों को भेज के तो हम तीनों रात एक और रह लेंगे इधर, लेकिन क्यों नहीं रहे उसकी वजह मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऑल द वे फ्रॉम हेलो। उठो, मैं रेडी हूँ। नहीं, वापस गाड़ी। तुमने सोने नहीं दिया ना मुझे, आपने वो कैफियत आई हुई थी वो क्या नाश्ते की। अच्छा कैफियत, एक सेकेंड आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या है। भाई साहब ने सारी रात सोने नहीं दिया, वैसे ही नींद कम आ रही थी जो मैं आपको कह रहा था ना, मैं बताता हूँ। तीसरी रात इसलिए नहीं रहे बिकॉज ये वाहि जगह, डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत अच्छी है, बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा है, बाथरूम पानी गर्म सारा कुछ, बट क्या है कि जो नींद है ना वो दोनों रातें नहीं है। और इस भाई साहब की वजह से दूसरी रात तो जो आई भी थी ना वो भी चली गई। सुबह 7 बजे मुझे उठा के कहता है, यार चला पीसी चलते हैं, भाई तेरा नाश्ता कराएगा। मैंने कहा बस चुप करके सो जा। उसके बाद जो है भाई साहब, क्या पंखा को क्या हुआ? उसके पंखा बंद हो गया। हाँ। वो फिर जाग खुल गई, फिर कैफियत आई हुई थी। नहीं लेकिन कैफियत नहीं, मसला ये है कि पंखे का रिमोट इधर भी था, कहता पंखा ख़राब हो गया, गालियाँ पंखे को दे ही जाए। और वो क्या था कि लाइट सुबह यहाँ जाती है तकरीबन 7-7:30 बजे। तो उसके बाद जो है भाई साहब फिर क्या करके आए? नाश्ता किसके साथ? पीसी गोरबंद। किसके साथ? मुंह से आपने कबल तो होता है। मैं और मेरी तन्हाई। और गए किस तरह? यार ने नाश्ता नहीं भेजने पर टैक्सी वाले ने ले लेने। यार नाश्ता कितने का था? नाश्ता 2500 का था। अच्छा वो तो कार्ड में उन्होंने डिस्काउंट कर दिया। ठीक है 1800 रुपये यार टैक्सी वाले ने ले लिया। सुबह आपको कह चलो, आपने कहा नहीं जाना। हाँ। मैंने कहा मैं क्या उठाऊँ इन्हें। सुबह 7 बजे से उबर क्रीम बाइक की आया, सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू हूँ। अच्छा 7 बजे तक डाउनलोड, 8 बजे तक डाउनलोड करता रहूँ, कुछ नहीं मिला। फिर ऊपर गया हूँ, ऊपर टैक्सी वालों को कहा वो चले, वो गए कोई 3000 कोई 4000 में। तूने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि चलो आओ तुम्हें भी नाश्ता करा दो?2000 रुपया एंट्री फीस थी। वो केपीके में आते मेरे ख्याल से, ऐसा कोई चक्कर नहीं केपीके में नहीं आता। पर कोई नाका ला के बैठे हुए थी सरकार। अच्छा ओनली सरकार हर पास भी पैसे लेंदी, उतरे 200 सरकार ने ले लिया। 1600 टैक्सी वाला ले गया। नाश्ता कितने का पड़ गया तुझे? तो 1800 है ये हो गया, और 1670 का नाश्ता है, तकरीबन 4000 रुपये में पड़ा। हाँ जी तो ये सब्सक्रिप्शन खाने की सख्त चने। तेरे अलावा कितने लोग थे? मेरे अलावा ये पूछो कोई खूबसूरत बंदा था वहाँ पे, ये पूछो। यार कैमरा से बंद कर लिया करो यार। तो ये क्या है कि देखो हम कोई चीज़ फेक नहीं करते, जो होता है वो आप लोगों को सामने दिखाते हैं। मतलब जहाँ हमें समझ आ जाए कि ओप्स ये ज़रा ज़्यादा निकल रही है तो वहाँ ब्रेक। हेलो रेडी डर्टी फेलो। तो क्या है कि पराठे आगे इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ पराठे इंतज़ार कर रहे हैं मेरे और फैजान के लिए। वो तो भाई साहब 4000 रुपये का नाश्ता कर रहे हैं पीसी से, लेकिन मुझे पता है फिर भी खाएंगे। क्यों तूने कहीं ना कहीं तो 4000 हलाल करने हैं ना। 4000 हलाल कितने ना, कोई 10 मक्खन की टिक्कियाँ खा गए। अच्छा 4 टोस्ट खाते ने 10 मक्खन की टिक्कियाँ खा गए। और मैंने कुड़ियाँ पा पा के देखी जाते थे। इसीलिए कहते हैं
के भाई से जरा मशवरा कर लिया करें, लेकिन बाहर देखो जरा जैसे मैं तुमने ब्लॉक क्या करा था ये सारे का सारा। आई डोंट नो कैमरा में कैसा नज़र आ रहा है, मतलब शायद क्लियर नज़र आ रहा है बिकॉज कैमराज में मून ही होता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये दूर से आगे इसमें नज़र आ रहा। वॉट ए वेदर, वॉट ए वेदर। एंड ठंड नहीं है ज़्यादा, आई थिंक ये वाला सितंबर का जो हिस्सा है ना परफेक्ट टाइम है। गर्मी है ये, मेरी गर्मी है, गर्मी गर्मी है, गर्मी। लेकिन वो जारी बात है 4000 खर्चने के बाद तो गर्मी लगती है, नींद नहीं आती गर्मी में फिर इधर। हां ये बात तो मैंने उनको बताया कि नींद नहीं सही तरह आती भाई, 10-15 दिन बाद मरी जाना कोई ना मरी है। सितंबर के एंड पे आ जाओ ताकि वो वाला वेदर हो कि आपको अंदर गर्मी ना लगे रात को सोते हुए, क्योंकि ऑनेस्टली हम तीनों को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा लगी है रात को। वे तूने उसको बताया नहीं है मक्खन की टिकिया है? बताया मक्खन टोस्ट खा खा के बुरा हाल हो गया। चलो अपना प्रेम दूध पड़ा हुआ है वो पियो। हाँ नहीं वो दही पड़ा था कूड़े में, वो भी मैंने एक प्याले में दही खा लिया। मैं वो टड्डी ऐसे दही प्याले में मैं मुँह ला रगड़ कर रगड़ अंदर। भाई पीसी बुरवन वाले तो कहेंगे ना कि हमारे साथ कुछ तो हुआ है, एक बंदा था नाम ने कुछ खाने को रखा फिर भी खा गया। डाली तेरी मेहरबान यार, चुप रहो मैं। ओह यार मेरा नट आ आ आप लोगों को क्या कुछ दिखाने को मिलता है ये देखो, कंटेंट इज ऑलवेज अवेलेबल। ये पैर क्या करेगा उसके बाद ये जिंदा पीछे दोनों पैर तू ना उसके बाद आ नाला का नहीं नहीं मजाक मजाक नीचे 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 ये यहाँ पे दूसरे वाले भी दूसरे वाले। आई थिंक इट्स टाइम टू सेंसर। ओए यहाँ पे सारी थकान है। हाँ यहाँ पे अच्छा मैंने बाकी कमरे आप लोगों को नहीं दिखाए थे, दिस इज द सेकंड रूम, ये आप देख सकते हो लाइट वगैरह ऑफ है। इसका भी बालकनी में खुलता है, दिस इज ये देखो। अब चलते हैं थर्ड रूम की तरफ, राइट वेयर दिस इज द वॉशरूम, ये सारा दूसरे कमरे का। और ये है जी रूम नंबर 3 जो कि अगेन बाय द वे हमारे वाला जो है ना सबसे बड़ा है, अगेन वही बालकनी शेड वॉशरूम इफ यू वांट टू सी ये सारा। एंड रूम नंबर 4 जो हमारे से मिलता जुलता है, अगेन इसका वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है as you can see. This has to be the biggest, I think the best room, meri opinion. And room number 5 smaller, and again bathroom reasonable size hai but room thoda chota hai. And aur room number 6 jo hai na wo upar hai, so इंडिविजुअली आप कमरा लेना हो ना तो आई थिंक रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 1 बेस्ट तो आई थिंक इज द लास्ट वन। अच्छा तो जी हम निकल पड़े और धूप नहीं धूप आने दो, कहीं बादल हैं कहीं धूप है, और हमने अब्बास को फेंक दिया इतनी तेज धूप। अब्बास ने 4000 का जब से नाश्ता किया है ना अब्बास साहब जो है इस वक्त घूमे घूमे से लग रहे हैं, और इस वक्त कश्मीर पॉइंट पे पता नहीं क्या करने की कोशिश में। हेलो भाई ग्लासेस, गर्मी है यार, गर्मी नहीं है रात को जैकेट वाला है गड्डी साफ करने शौक है ना तो काम ही यही करना चाहिए, वो शक्लों लग रही गड्डी साफ करने वाला। हम ये नहीं बताएंगे हमने ये किसको कहा है, हाँ, लेकिन अगली बात आपको बताते चले। अच्छा जो लोग ये सोचे ना कि यार अभी तक तुमने रूम का या जगह का तो बताया नहीं है, तो हमने पूरी अकोमोडेशन जो थी ना सारे की सारी जगह ली हुई थी, इसलिए नवाब के बच्चे हम बने हुए थे, तो
फिजान थोड़ा सा बता दे कि टोटल इनके पास 6 रूम है और एक किचन है, अच्छा बड़ा किचन है प्रॉपर, जिसमें बर्गर सैंडविच सब चीजें आप बना सकते हैं अपनी अगर ले आए। लेकिन उसके तो पैसे ये चार्ज करते हैं 3000 पर डे किचन का लेते हैं, गैस एलपीजी यूज होती है और दूसरा जो रूम्स का है 16000 चार्ज करते हैं पर डे पर रूम पर रूम। हाँ जी। एंड तो जब मेरा बताओगे कि फैजान भाई और साद भाई व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप नहीं पता अच्छा साद भाई, तो आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार का डिस्काउंट कंफर्म मिल जाएगा। लेकिन कोशिश आपने करनी है कि जो मैंने आपको दिखाया ना हमारे वाला कमरा या वो जो लास्ट पे है 4 नंबर रूम या 1 नंबर रूम, तो वो सबसे बड़े हैं और सबसे अच्छे हैं, बाकी जो दूसरे हैं वो छोटे हैं। ठीक है, फैमिली अगर आए तो कोई इशू नहीं है। नहीं, लेकिन वो बड़े वाले जो है ना वो बेस्ट है इसमें, कोई वो पहले ही हम बताते चले, बाद में हमें कोई ब्लेम ना करे। यहाँ से अब सीधा सफ़र रवानगी का है, नाश्ता बड़ा हल्का किया जानबूझ के, बिकॉज रास्ते में कुछ ना कुछ तो पेट पूजा होनी है, सो फिर कम सारी आवाम को KFC खिलाना है। वो हाँ, वो लोग अभी कहाँ गए? वो अभी फैसल मस्जिद गए हैं और फिर गोलोड़ा शरीफ। यस, जगह का नाम बताना मैं भूल गया था, ट्रैवल इन, ट्रैवलर्स इन होगा। हाँ, ट्रैवलर्स इन, और आपको फ़ोन नंबर भी दे देंगे। कश्मीर पॉइंट पे, वो तो कश्मीर पॉइंट पे बिल्कुल टेरेस ग्रिल के साथ, ग्रिल टेरेस के साथ। अब्बास की जो स्टोरियाँ ना वो सबसे मज़े की होती हैं, तो जो है ना क्योंकि इसने कहा ये ऑन रिकॉर्ड बतानी है आज की स्टोरी ताज़ा तरीन, तो बता आप इधर मुंह कर। आप जब टैक्सी वाले को कहोगे कि आपने UC बोर्ड बन जाना है, तो वो आपसे पहला सवाल ये करेगा कुछ सामान लेने जाना है। सीरियसली? मैंने भी यही कहा है मैं कह रहा सामान लेना, मैं नाश्ता करने जाना है नहीं तो सामान लेने उतो। अब सामान से मुराद है अल्कोहल। मैं कहा भाई मैंने नाश्ता करने जाना है, क्या हो गया? तो आना जाना करना। मैंने कहा जी आना जाना करना, फिर तो सामान भी लेना होगा मैं समझ ही ना आया सामान केड़ा सामान। मैंने कहा यार तूने आना है कि नहीं आना, तुझे बता दे मुझे भूख लगी हुई है, मैंने नाश्ता करना जा गया, सामान तो नहीं लेना ना तुसा? मैं कहा नहीं लेना, आ गया। जब अगली स्टोरी सुनो, वो जब हम गेट पे पहुंचे गार्डों ने रोक लिया, देखते नाल ही सामान नहीं मिल सी। है? मैं कहा क्या हुआ? फिर कहता जी वो 1500 रुपए की पर्ची बना के देते है ना। हाँ। एंट्रेंस पे। हाँ। तो सामान नहीं मिल सी, 10 बजे जब बाद मिल सी तो मैंने कहा यार सामान हमने लेना भी नहीं है, मैं नाश्ता करने है, मैंने नाश्ता करने अंदर जाना है, देख लो सो पर्ची में फिर नाश्ते की बना के दे सा। मैं कहा नाश्ता करने नाश्ते की पर्ची बना के दे ना वो सामान वाली जगह दी पर्ची नहीं चलनी फिर तुसा नहीं। मैं कहा मैं चलानी भी नहीं है। अच्छा उसमें 1500 रुपया निकाल, 1500 रुपया क्या निकाल के दे रहा हूँ, मेरे पास तो कैश था ही कोई नहीं, मेरे पास थे कार्ड। ठीक है, टैक्सी वाले से 1500 रुपया लिया मैंने। अच्छा 1500 रुपया बाद में हिसाब किताब करूंगा सारा वो मेरी शक्ल देखी है चंगा मेरी टैक्सी बैठे टैक्सी का मालक ही बन गए और सामान लेने आप लेके निकल। आपने अगर ऐसा करना हो तो
एहतियात करें सामान के लिए जा रहे हैं किस चीज के लिए। अगर आप पीसी जाते हैं तो बाहर 1500 रुपए वो आपसे लेते हैं, तो उनको बताना है कि सामान नहीं लेना, कि हमने यहाँ से सामान लेना है या फिर नाश्ता टुकर पानी लेना है। बेसिकली ब्रीफ स्टॉप ओवर मारा है फैसल मॉस, बिकॉज यहाँ हमारी वो जो टीम आई हुई है वो इधर अभी विजिट करके एक और जगह पे जा रही है। सो कुछ हमने पैसे वगैरह देने थे तो हमने कहा चलो बाहर से हम भी नज़ारे करते चलें। ये देखो ऑल दो इट्स एक्सट्रीमली हॉट, मतलब मैंने 2 मिनट बाहर खड़ा हुआ गाड़ी। आपने बहुत गलत फैसला किया, कसम से वापस भी आना था तो 4-1 बजे निकलते आराम से ठंडे टाइम। अब हमारा पूरा सफ़र तस्ती धूप में निकलना है यार। नहीं लेकिन आप तो बड़े आराम से तकिए ले के, अब ये चेक करो ज़रा, ये 5-स्टार होटल बना हुआ है पीछे और अभी भी बातें सुनाने को, मतलब करोला इससे ज़्यादा लग्जरी नहीं बन सकती। और अब्बास मियां है कि वो बड़े तो बड़े नवाब हैं, नवाब ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, तो अगर किसी को चेक करना हो तो इनकी ब्रीफ हिस्ट्री किसी भी वक्त हम बता सकते हैं। नवाब साहब लो जी खाना तो हो गया मजे का, मतलब अच्छा भला इस्लामाबाद का चक्कर पूरा हो गया। लेकिन अब्बास आप लोगों को एक वैल्यूबल टिप इन्फो देना चाहता है, अब्बास साहब बताएं जल्दी से। आप अपने मोबाइल पे उर्दू ऐप डाउनलोड करें और टक 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 सिंगल जो आपको लिखना होता है उसकी बीमारी से बचें। आप कैसे, आप कुछ करके दिखाएं। फैजान आप दुनिया के खूबसूरत इंसान, बस। और ये क्या होगा, ये खुद ही टाइप हो जाएगा खुद से। हाँ जी, इंग्लिश या उर्दू में? इंग्लिश में भी होगा उर्दू में भी होगा, लेकिन इंग्लिश में अगर आप टाइप करना चाहते हो तो आपको बंदों वाली उर्दू बोलनी पड़ेगी जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाए, ठीक है। वो स्टूपिड हमारी आधी उर्दू आधी पंजाबी नहीं बोलनी, सुनी होगा। ओके सो देयर यू गो, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी ये टिप अब्बास साहब ने दी है। तो जब ऐप नहीं थी तब क्या होता था? जब ऐप नहीं थी तो इधर तल्ला मारता था। तो ये देखें कैसी कैसी डेवलपमेंट आईटी की दुनिया में हो रही है कि आजकल लोग जो है ऐप के थ्रू टाइप करने ही नहीं पड़ते। भाई वो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक कलीग था अनपढ़ गवार था सारा, वो मैसेज करता था मुझे, मैं कहूँ यार तू इतने कमाल टेक्स्ट कैसे बना के भेजता है। वो एक दिन फैट तो ले गया, उन्होंने कहा भाई तेरा मतलब दसना, वो उन्होंने डाउनलोड करके दी थी। वाह भाई वाह, लो तो आप लोगों ने आजमाना है और मुझे बताना है कि अब्बास को दुआएं देनी है कि नहीं। पे आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और परफेक्ट है। वापस आके तो हमने व्लॉग नहीं किया, तो ये आखिरी व्लॉग वो ट्रिप का रह गया था, तो मैंने कहा कि ये नेक्स्ट डे है तो देखें ज़रा आते साथ। इनको कहते हैं रोटी गए,
अब ये कहेंगे हम तो चेक कर रहे हैं, सिर्फ चेक ही कर रहे हैं, है ना। तो इतने गौर व फिक्र से ये हवाले जो खाए जा रहे हैं, ये हो गए टिन रूफ स्पेशल, ये वो सही मिसाल बनी है। चेक चेक मैं अपना ही खाना खुद ही खा जाना है, सारा कस्टमर को तो मिलना नहीं। तो इस बात को यहाँ आजकल बिजनेस के हालात यही है कि अपना खाना खुद खा लो। अब्बास की तो बात ही नहीं सुननी चाहिए। तो इस वक्त उसकी मरी में दुकान नहीं चली ना। हाँ, उसकी दुकान मरी वाली नहीं चली थी बेचारा। तो आप लोग ये भी बताते चलना कमेंट सेक्शन में, ये वाला ट्रिप आपको अच्छा लगा तो अच्छा लगा, किसी भी वजूहत की वजह से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ स्टे हेल्दी, पीस आउट।